एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ अपने बेबी का 3 मंथ्स फोटो शूट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और जो आज मेरे बेबी का थीम है वो रेड और वाइट कॉम्बिनेशन का है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे आज नहीं मिली, उसके जगह मुझे कुछ और लेना पड़ा और पूरा मतलब मैच नहीं कर पा रहा, फिर भी रेड वाइट सब चीज़ रेड वाइट है। तो फिलहाल मैं बना रही थी तो सोची कि आपके साथ भी क्यों ना वीडियो शेयर किया जाए। आपका भी बेबी होगा तो आप लोग भी बेबी का फोटो शूट करते होगे, उसका मंथ बर्थडे मनाते होगे, तो कुछ ना कुछ कहीं से कहीं ना लोग देखते हैं, कुछ आइडिया होता है। तो मैं भी सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने बेबी का कैसे करी फोटो शूट और कौन सा थीम अपना रही हूँ। फिलहाल ये व्हाइट कलर का बेड शीट मैं पूरे बेड पर डाल रही हूँ क्योंकि आज का थीम है व्हाइट एंड रेड। तो फिलहाल मैं व्हाइट कलर की बेडशीट पूरे बेड पे डालूंगी, उसके बाद मैं आगे का भी दिखाऊंगी आपको उसके बाद क्या करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस, मिस मत कीजिएगा। तो पहले मैं अच्छे से बेडशीट डाल लेती हूँ पहले। गाइज ये फोटोशूट करने के लिए आपको जो ये रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन वैसे भी तो आपका, अब इसे किसी भी मंथ में कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है 4th मंथ पे 5th मंथ पे, तो इसे 3 मंथ में करी रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक मैंने बड़े से टैडी लिया है, 2 छोटे छोटे टैडी हैं, साथ में रेड बलून है और व्हाइट बलून है, और बलून को एचअप करने के लिए ये आपको गम ग्लू मिला है। लेकिन गाइज मेरे को अभी बलून को चिपकाना नहीं था तो इधर ही है 3 मंथ्स का ये आपको स्टिकर है। तो फिलहाल आप करना क्या मैं बताती हूँ आगे। तो यहाँ पर आपको टमाटर के भी यूज़ पड़ेगा, लेकिन अभी पहले आगे का मैं बताती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो जहाँ गाइज आपको क्या करना है, आपको पूरे बेड पर आपको रेड और वाइट जो बलून आपने लिया है राउंड अप कर लेना है, मतलब उसको राउंड शेप बना लेना, कहीं रेड कहीं वाइट, कहीं रेड कहीं वाइट, आपको बेड के ऊपर पूरा इसको राउंड में आपको कर लेना है। उसके अंदर हम लोग करेंगे बेबी का फोटो शूट। तो आप पहले अपने बेड पे सारे मतलब राउंड कर लीजिए, कहीं रेड कहीं वाइट जैसे मैं कर रही हूँ, और आप ये देख सकते हो ऐसे आपको राउंड करना है। तो ये मैंने राउंड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा टमाटर। तो गाइज़ यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी यूज करने वाली थी बट स्ट्रॉबेरी का सीज़न चला गया, मुझे पता भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं टोमेटोज़ लाई हूँ, तो यहाँ पर टोमेटो से मैं 3 लिखूँगी। आप चाहे तो रेड कलर में आप एप्पल भी यूज कर सकते हो, या आपको भी जो भी मिलता है वो यूज कर सकते हो रेड कलर। तो यहाँ पर मैं टोमेटो से मैंने 3 लिख दिया। और ये जो छोटे छोटे टैडी है ना, आपको अपने बेबी जब फोटो बेबी के बगल में आपको इसको भी आपको रख देना है, तो बहुत ये अच्छा लगेगा, बहुत क्यूट लगेगा। तब टमाटर से भी करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, टमाटर से भी आप 3 लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं। टमाटर खाने में भी यूज हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा, और जो आपको यूजलेस चीज़ है उसी से आप लिखा करो। और यहाँ पर रेड और वाइट बलून मैंने जो फुला के रखा था, बस आपको जो आपने बलून से राउंड अप किया है ना, आपको बस बीच बीच में कहीं रेड कहीं वाइट बलून आपको लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हो, रेड वाइट ऐसे करके आपको सर्कल को राउंड कर देना है ये बलून से। तो बस ये मैं बलून लगा लेती हूँ, उसके बाद बेबी को रेडी करूँगी। और जो मैंने टैडी आपको दिखा रही हूँ ना, जब बेबी को आप लेटाओगे उसके बगल में आपको खड़ा करना है टैडी को, तो बस मैं इसको जल्दी फटाफट राउंड कर लेती हूँ बलून को, उसके बाद बेबी को रेडी करूँगी। पेट को बनाने वाली हूँ मैं, रेड शर्ट है ये, और ये पैंट रेड पैंट एंड वाइट शर्ट विथ टाई, इसका कैप भी था बट मैंने कैप कहीं रख दिया गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर मैं टॉम जेरी का सूज पहनाने वाली हूँ, फिलहाल मेरे पास रेड सूज नहीं है, वाइट है और उस पर ना ब्लैक है, तो उससे अच्छा मुझे ब्लू वाला लगा, तो यहाँ पे ब्लू। और यहाँ पे बेटू को मैं रेडी कर रही हूँ, कहीं ये रोने ना लगे, फोटो शूट करते समय अगर बच्चे रोते हैं ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता है गाइज। वैसे यहाँ पे फटाफट मैं बेटू को रेडी कर रही थी, बस उसे हंसा रही थी कि वो सोए ना कम से कम फोटो शूट के टाइम, मैं रेडी करके उसके बाद इसका करूँगी फोटो शूट। फाइनली बेटू रेडी हो गया है, अब देखो कितना क्यूट लग रहा है बेटू रेड वाइट में है।
और मैं इसका फोटो शूट कर रही थी, इसे तो रो रहा था, तो उसकी दीदी उसको ना चुप करा रही है, उसको हंसा रही। मैंने बोला आराध्या थोड़ा उसको स्माइल कराओ यार, मैं फोटो शूट कर लूँ वरना ये सो जाएगा। तो बस ये 3 भी इसने बिगाड़ दिया था। तो फिर इसका फोटो क्लिक मैं जल्दी जल्दी फिर वेट को अच्छे से करके फिर मैं इसका फोटो क्लिक करने लगी। मैंने बोला आराध्या, तब तक उसको ना चुप करा रही थी, मैंने उसको फिट किया। ये है गाइज इसका फोटो शूट, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे कर सकते हो घर में इजी वैसे फोटो शूट बच्चों का। और ये देखो टैडी को किस कर रहा है यहाँ, मुझे बहुत हंसी आई। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग, मैंने अपने बेबी का फोटो शूट किया 3 मंथ में। जब फोटो क्लिक कर रही थी तो बॉस रोता है, जब मैं फोटो क्लिक नहीं करती हूँ तो शांत हो जाता है। बहुत शैतान हो गया मेरा बेटू। तो अभी बेटू को फिलहाल मैंने फोटो शूट कर दिया, फटाफट मुझे ड्रेस चेंज करना है। हेयर केक इज रेडी एंड वी आर गोइंग टू कट द केक विथ बेटू, और बेटू करेगा यहाँ पर केक को कट। सो गाइज आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा गाइज डू 1 लाइक 1 शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।